तो गाइसर लॉस सैंटोस में एक नया नया शोरूम खुला है और गाइसर वो लोग बेच रहे हैं वेनम की सुपर कार्स, क्योंकि इस शोरूम का जो ओनर है वो और कोई नहीं वो खतरनाक सा वेनम है। और गाइसर मैं वेनम का बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला फैन हूँ, इसलिए मैं आ चुका हूँ वेनम की एक कार खरीदने। इनके पास बहुत सारी सुपर कार्स है, उसमें से एक गाड़ी आज मैं खरीद के रहूंगा जो की होगी वेनम की। और गाइसर ये देख सकते हो, ये तो वेनम की कार है, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। ए बच्चे गाड़ी से उतर, गाड़ी पे किससे मुझ के चढ़ रहे हैं? अरे अंकल अंकल मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, जल्दी से पैक कर दो। ए बच्चे ये कोई खिलौना नहीं है, जो इसको पैक कर दूं पहले इसकी पेपर साइन करने पड़ेंगे, पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर ये गाड़ी मिलेगी। अरे अंकल आप टेंशन मत लो, मैं ये गाड़ी खरीदने वाला हूँ। और ये क्या, यहाँ पर तो एक और वेनम वाली गाड़ी है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कैसे आप देख सकते हो, आधी वेनम की बॉडी इधर आधी बॉडी इधर, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और कैसर ये तो कोनी सैक है, वो भी वेनम एडिशन वाली, इसका कलर देख सकते हो ब्लैक और व्हाइट है जो कि वेनम का कलर है। और ये कौन सी गाड़ी है, ये गाड़ी तो मैंने पहली बार देखी है। और देखते हैं इनके पास कौन कौन सी गाड़ी। और कैसर मुझे यहाँ पे एक और लैम्बोर्गिनी दिख रही है, ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसमें वेनम का फेवरेट नंबर लिखा हुआ है 63, वेनम का फेवरेट नंबर है 63। और एक सेकंड ये क्या, ये कौन सी गाड़ी है? अरे कैसर ये तो कुछ खतरनाक ही लग रहा है। और यहाँ पे इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों है? बच्चे यहाँ पर इतनी सारी सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि सुपर स्पेशल वेनम एडिशन बिग टायर्स $100 million की कार। क्या ये गाड़ी $100 million की है? ए बच्चे उस पार तुम नहीं जा सकते। अरे मैं तो सिर्फ गाड़ी को पास से देखने जा रहा हूँ। तुमको पता नहीं है इस गाड़ी को पास से देखने का कितना चार्ज है? कितना चार्ज है? $20 million अगर इस गाड़ी को पास से देखना है, और अगर इस गाड़ी को टच करना है तो $40 million, और अगर इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करनी है तो $80 million, और अगर इस गाड़ी को खरीदना है तो $100 million। क्या इतनी ज्यादा महंगी, $20 million सिर्फ इस गाड़ी को देखने के पास जाके, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। पर कैसा इसके टायर देखो कितने ज्यादा बड़े। अरे अंकल मैं इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं कर सकता क्या, छोटी सी टेस्ट ड्राइव करूंगा। $80 million, अरे सिर्फ वहां से छू करके आ जाऊंगा। $80 million, अरे सिर्फ गाड़ी को चालू करने दो। $80 million, अरे क्या 80 मिलियन, इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी कौन खरीदेगा? मैं तो कोई सस्ती गाड़ी खरीदूंगा, मुझे ये वाली मस्त लग रही है, मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है। ये वाली गाड़ी खरीदनी है, ये गाड़ी है $50 million की, फटाफट से दो और ले जाओ इस गाड़ी को। क्या $50 million? अरे ये बहुत ही ज्यादा महंगी है। तुमको क्या लगता है तुम ऑल्टो के शोरूम में आए हो, जहाँ पे तुम्हें सस्ती सस्ती गाड़ी मिलेगी? यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियाँ महंगी है, कोई सस्ती गाड़ी नहीं है। और अंकल ये वाली गाड़ी कितने की है? मुझे लगता है तुम ये वाली गाड़ी खरीद पाओगे $20 million। क्या $20 million? अरे ऐसा तो कुछ है भी नहीं इस गाड़ी में, ऐसा क्या खास है? इस गाड़ी पे जो पेंटिंग करी है वेनम की, वो खुद वेनम ने अपनी जीप से करी है, और ये वेनम का खून है यहाँ पे। जो भी इस गाड़ी को खरीदता है वो बोलता है We are Venom। अरे अंकल क्या मैं इसकी टेस्ट ड्राइव कर सकता हूँ? टेस्ट ड्राइव तुम कर सकते हो $1 million में। क्या टेस्ट ड्राइव के लिए भी 1 मिलियन? अरे अंकल पागल वागल हो गए क्या? मैं पक्का ये गाड़ी खरीदूंगा, पर मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव करने दो। नहीं बच्चे मैं तुम्हें ये गाड़ी नहीं दे सकता। अरे अंकल प्लीज प्लीज मैं पक्का ये गाड़ी खरीदूंगा। एक काम करो, मेरा सिक्योरिटी वाला तुम्हारे साथ चलेगा टेस्ट ड्राइव के लिए। क्या? अरे नहीं मैं अकेले जाऊंगा, वरना नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है सिक्योरिटी वाले को भेज दो, मैं इसकी टेस्ट ड्राइव करके आता हूँ। तो गाइस अभी हम टेस्ट ड्राइव करने वाले इस खतरनाक सी वेनम की कार की, जिसके पीछे लिखा हुआ है We are Venom। अगर इस गाड़ी को चलाते हैं तो हम वेनम बन जाते हैं। चलो गाइस फटाफट इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करके आते हैं। अरे भैया आपको पता तो है ना इस गाड़ी को ज्यादा दूर नहीं लेके जा सकते। अरे हाँ मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। तो गाइस फटाफट चला के देखते हैं। और गाइस ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो क्या हमें ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। अरे भैया बस 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 यहाँ तक ही टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, वापस गाड़ी को मुड़ा लो। अरे हाँ मुड़ा रहा, थोड़ी गाड़ी चलाने दो, ड्रिफ्ट तो कर रहे। तो अरे भैया नहीं, टायर किस जाएंगे? अरे टायर किस जाएंगे तो क्या हो गया, गाड़ी तो मैं ही खरीदने वाला हूँ। अरे भैया ये कहाँ चल रहे हो? अरे रुको रुको मुझे थोड़ा सा काम है। अरे भैया कौन सा काम है आपको? अरे भैया वेनम से को पता चला कि हम गाड़ी लेके यहाँ पर खड़े तो हमें खा जाएंगे। वेनम भैया के खाने से पहले मैं तुझे खा जाऊंगा, ये ले। अरे भैया मार दिया रे। तो
गाइस अभी हमें सिक्योरिटी वालों को मार दिया है, तो गाइस यार यही मौका है फटाफट इस गाड़ी को यहाँ से चुरा लेते हैं। तो गाइस यार गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसका इंटीरियर तो देखो कितना ज्यादा मस्त है। चलो फटाफट इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकलते हैं। और गाइस यार हमने एक खतरनाक सी $20 million की वेनम की गाड़ी चुरा ली है। और आप सोच रहे हम एक गाड़ी चुरा के रुक जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं वो 50 मिलियन वाली भी चुराऊंगा, वो लैम्बोर्गिनी भी चुराऊंगा, और गाइस यार वो $100 million वाली वेनम की गाड़ी भी चुराऊंगा। मुझे वेनम की गाड़ियां चुराने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस यार वेनम के शोरूम के मैनेजर ने मेरी शक्ल देख ली है, तो अगर मैं वापस गया तो मुझे पकड़ लेगा, इसलिए मैंने अपना पूरा का पूरा भेस बदल लिया है। और आप देख सकते हो अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, कितना ज्यादा अलग लग रहा हूँ। अब मैं जाऊंगा एक और कस्टमर बन के और एक और गाड़ी चुराऊंगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएंगे। मुझे पता है वो मैनेजर मुझे बिल्कुल नहीं पहचानने वाला। गाइस यार मैं सोच रहा हूँ ये वाली गाड़ी चुराई जाए। ए काले लड़के, मेरी गाड़ी कहाँ पर है? कौन सी गाड़ी, आप कौन हो सर? ए काले लड़के, तू अभी वेनम की गाड़ी लेके गया था ना मेरे बॉडीगार्ड के साथ टेस्ट ड्राइव करने के लिए, गाड़ी कहाँ पर है मेरी? अरे सर मुझे लगता है आपको गलत फैमिली हुई है, मैं तो इस शोरूम में पहली बार आया हूँ। अब एक काले लड़के देखो क्या लगता है ये अजीब सा चश्मा तू पहन लेगा तो मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा, मेरी गाड़ी कहाँ पर है जल्दी बता। अरे गाइस यार लगता है इसने मुझे पहचान लिया। अरे अंकल आपकी गाड़ी आपका बॉडीगार्ड लेके आ रहा है। क्या कहाँ पर है वो? अरे अंकल आपके बॉडीगार्ड ने मुझे रस्ते में उतार दिया और बोला ऑटो से जाओ, तो मैं ऑटो से आ गया और आपका बॉडीगार्ड अभी तक नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बॉडीगार्ड तुम्हें गाड़ी से उतार ही नहीं सकता, सच सच बताओ क्या हुआ है? अरे अंकल मैं सच बता रहा हूँ, अभी वो सब छोड़ो, मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है तो मुझे इसके टेस्ट ड्राइव करने दो। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इसने हमारी गाड़ी चोरी करी है और हमारे बॉडीगार्ड को भी मारा है, इसको पकड़ो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, उसने मुझे ऑटो में भेज दिया था। हम कैसे मान ले, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? प्रूफ? हाँ प्रूफ है, मेरे पास फोन की रिकॉर्डिंग है। अच्छा तो दिखाओ। इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ। बताओ कहाँ पर है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग, ये रही रिकॉर्डिंग, निकल यहाँ से, सारे सिक्योरिटी वालों को मारूंगा, ये लो निकल जाओ यहाँ से, सारे सारे सिक्योरिटी वालों को मारूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, निकल जा तू भी यहाँ से। तो कहा जाए फटाफट से लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो कहा जाए मैंने सारे सिक्योरिटी को मार दिया और उस मैनेजर को बेहोश कर दिया है। और कहा जाए हमें ये खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी मिल चुकी है। और कहा जाए कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, ये देख सकते हो इसका व्हील कितना ज्यादा मस्त है, एकदम रेसिंग कार की तरह। मुझे लगता है इस लैम्बोर्गिनी की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाली है, क्योंकि ये रेसिंग लैम्बोर्गिनी है, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त। और कहा जाए इस बटन को दबाने से ये गाड़ी जंप भी करती है, कितनी ज्यादा मस्त ये। तो गाइस यार हमने वेनम के शोरूम से एक और खतरनाक सी कार चुरा ली है। आप फटाफट से कमेंट करके बताओ, अगर आपको ऐसी लैम्बोर्गिनी मिल जाए तो आप क्या करोगे, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। अरे ये क्या हो गया, क्या हुआ था मेरे साथ, ये क्या मेरी सारी सिक्योरिटी, अरे तुम सब लोग क्या हो गया, इनको तो सबको गोली मार दी, मुझे लगता है उस काले लड़के ने सिक्योरिटी को मार दिया। और ये क्या मेरी लैम्बोर्गिनी कहाँ चली गई, ये कैसे हो सकता है, उस काले चोर ने पहले मेरी वेनम वाली कार चुराई फिर लैम्बोर्गिनी भी चुरा ली, ये नहीं हो सकता, मेरी सारी सिक्योरिटी को बुला दिया, मेरी सारी सिक्योरिटी को मार दिया, मुझे बाकी सारी गाड़ियों को बचाना पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ सिक्योरिटी से काम नहीं होगा, मुझे मिलिट्री बुलानी पड़ेगी। अब कोई भी हमारे शोरूम में चोरी नहीं कर सकता, मैंने सारी मिलिट्री को उनके खतरनाक टैंक्स के साथ बुला दिया है, अगर कोई भी चोरी करते हुए दिखा तो मिलिट्री वाले उसको भून देंगे। अरे गाइस यार ये तो सही में बहुत ही खतरनाक है, इन्होंने पूरी की पूरी मिलिट्री बुला ली और इतने सारे मिलिट्री के टैंक, अगर इनमें से किसी ने मुझे देखा मेरे मुंह पे दे गोले फेंक फेंक के मुझे तबाह कर देंगे। तो गाइस यार इसीलिए मैंने पहन ली इस कॉस्ट्यूम की दुकान से ये खतरनाक सी मिलिट्री ऑफिसर की कॉस्ट्यूम, कैसा लग रहा हूँ मैं फटाफट से कमेंट करके बताओ। और अब हम एक मिलिट्री ऑफिसर बन के घुसने वाले शोरूम में और मुझे कोई नहीं रोकेगा। ये मिलिट्री की कॉस्ट्यूम तो पहन ली पर मैं अंदर कैसे जाऊंगा, अगर पैदल जाऊंगा तो इनको शक नहीं हो जाएगा कि मिलिट्री ऑफिसर वाला पैदल क्यों आ रहा है। एक सेकंड ये क्या कर रहे हैं, एक सेकंड यहाँ पे तो ये बाइक पड़ी है और ये गिरी हुई क्यों है, और ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं इस बाइक पे जाने वाला हूँ। तो गाइस यार मेरा प्लान पूरा बन चुका है, मैं इस बाइक पर जाने वाला हूँ शोरूम में, फटाफट से अंदर चलते और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, फटाफट से अपनी बाइक को यहाँ पे लगा रहे तो चुपचाप किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। हेलो ऑफिसर्स कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सिक्योरिटी कैसी चल रही है शोरूम की? सर बिल्कुल अच्छी चल रही है, आपका कोई ऑर्डर है तो बताइए।
नहीं नहीं, मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, सिक्योरिटी करते रहो। मुझे अंदर जाके सिक्योरिटी देखनी है, कैसा चल रहा है अंदर माहौल। तो कैसे इन सारे सोल्जर्स में से मुझे कोई भी नहीं पहचान पाया। चलो फटाफट से चलते, इन्होंने पूरा मेन गेट ब्लॉक करके रखा है। पर कोई बात नहीं कैसर, अभी अब यहाँ पे अंदर आ चुके। और कैसर यहाँ पे देख दो, अंदर एक भी सिक्योरिटी नहीं है, सारे के सारे मिलिट्री वाले बाहर खड़े टैंक लेके। और कैसर मैं सोच रहा हूँ ये खतरनाक सी कोनी सेक चुराने की। तो कैसर मैं आपको बता दूं कि कोनी सेक दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है और अभी हम इसको चलाने वाले, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो कैसर इसका इंटीरियर आप देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त है। चलो फटाफट से बाहर निकालते हैं इसको। चलो कैसर फटाफट से, हमारी गाड़ी यहाँ पर बाहर आ चुकी है और अभी तक किसी भी मिलिट्री वाले ने मुझे देखा नहीं है। तो कैसर यही मौका है, फटाफट से गाड़ी को भगा दे। ये देख सकते हो कैसे मस्त यार बर्नआउट करी, 1 2 3 गो। और कैसर ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अरे ये तो भिंडी भी लग गई, तो मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रही, ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो कैसर आखिरकार हमने खतरनाक सी कोनी सेक वेनम एडिशन चुरा लिए और ये सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अभी तो मैं नॉर्मल मोड में इस गाड़ी को चला रहा हूँ, अगर इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में चलाऊं तो क्या होगा वो अभी पता करते हैं। 3 2 1 और कैसर ये गाड़ी तो कहाँ जा रही है? अरे रुक जा रुक जा, अरे कहाँ चली गई? अरे कैसर ये गाड़ी तो जाके भिड़ चुकी थी, पर आप देख सकते हो इतनी ज्यादा स्पीड में इस खंबे से बड़ा पूरा खंबा गिर गया, पर इस गाड़ी को कुछ हुआ नहीं क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो कैसर हमने एक और खतरनाक सी गाड़ी चुरा ली है वेनम के शोरूम से, जो की है कोनी सेक। पर अभी भी वहां से $100 मिलियन वाली गाड़ी चुराना बाकी है। तो जब तक हम $100 मिलियन वाली नहीं चुरा लेते हम रुकने नहीं वाले। और आप भी नहीं रुको, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम चलते अपनी अगली गाड़ी चुराने। चलो अपने शोरूम में चल के देखते हैं कितनी सेल करी हमारे मैनेजर ने। मैनेजर आ गया, हमें ये क्या इतनी सारी गाड़ियां बेच दी, यहाँ पर तो सिर्फ 2 गाड़ियां बची है। बहुत बढ़िया मैनेजर। अरे मैनेजर तुम रो क्यों रहे हो? अरे मैनेजर क्या हो गया? अरे बॉस आपको क्या बताऊं, हमारी 3-3 गाड़ियां चोरी हो चुकी है। एक 50 मिलियन की, एक 20 मिलियन की और एक 25 मिलियन की, तीनों गाड़ियां चोरी हो गई। क्या वेनम के शोरूम से गाड़ियां चोरी? किसने की गाड़ी चोरी? अरे काला लड़का हर बार आता है और हमारी गाड़ियां चुरा के चला जाता है। वो वापस आएगा और हमारी जितनी गाड़ियां बची हैं उनको भी चुरा के जाएगा। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी गाड़ियों को चोरी नहीं होने दूंगा। मेरी $100 मिलियन वाली गाड़ी, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ सिक्योरिटी गार्ड बन के शोरूम की प्रोटेक्शन करूंगा। मैं कोई भी काले लड़के को चोरी नहीं करने दूंगा। वेनम के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। तो कैसर ये वेनम का बच्चा अपने शोरूम को डिफेंड करने आया था, पर इसको पता नहीं है मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। तो कैसर अभी इस वेनम को उड़ा दिए। और ये क्या, यहाँ पर तो आग लगना शुरू हो गई। अरे कैसर यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी से गाड़ी चुरानी पड़ेगी। और मैनेजर क्या हाल है? तुम फिर से आ गए गाड़ी चुराने, चल चल चुपचाप सो जा। तो कैसर अभी अपने मैनेजर को सुला दिए और ये आग तो इस गाड़ी के पास पहुंच रही, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से फटाफट से गाड़ी लेके। और कैसर अभी हमें खतरनाक सी $50 मिलियन की वेनम वाली गाड़ी मिल चुकी है। लेफ्ट में लिखा हुआ है वेनम और ऊपर इतने सारे वेब बने हुए, राइट में भी बहुत ही तगड़ा वेनम लिखा हुआ है। ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं सोच रहा हूँ इसको आग के ऊपर लेके जाने का, देखते क्या होता है। और ये और आपने क्या सोचा था, ये गाड़ी जल जाएगी? नहीं, ये वेनम की कार है, ये ऐसे जल नहीं सकती। और कैसर अभी आप देख सकते हो इसमें से कितनी खतरनाक फायर निकलने लग गई है बीच में से, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। इस वेनम की गाड़ी में से खतरनाक सी फायर निकल रही है, बहुत ही ज्यादा मस्त है ये। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ जितनी गाड़ियां अभी तक हमने चुराई है उसमें से सबसे अच्छी गाड़ी आपको कौन सी लगी। मुझे तो ये वाली बहुत ही ज्यादा मस्त लगी, इससे पहले वाली भी अच्छी थी, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, पर ये बहुत ही ज्यादा मस्त है क्योंकि इसमें से आग निकल रही है और वेनम के बहुत ही खतरनाक इसके फोटोज लगे हुए हैं। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे पूरे शोरूम में आग लग गई, धीरे धीरे मेरा पूरा शोरूम जल जाएगा, मेरी सारी गाड़ियां जल जाएगी। मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, इस आग को बुझाओ, मेरी मदद करो। क्या?
या आपके घर पे आग लगी है तो फोन कीजिए हमारे नंबर पर, हम आपकी आग को बुझाएंगे, जैसे कि अभी मैं शोरूम की आग को बुझाने वाले हैं। इधर के जो ओनर है वो बहुत ही परेशान है क्योंकि ये आग बहुत ही ज्यादा तेज लग रही है। गाइस आपको लग रहा होगा कि ये फायर ब्रिगेड वाला है, पर नहीं, मैं हूँ फ्रैंकलिन। तो गाइस मैं इनके शोरूम में वापस चोरी करने आ चुका हूँ बस एक फायर ब्रिगेड वाला बन के। अरे वेनम सर साइड हो जाइए, आपके ऊपर आग लग जाएगी। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो? मैं आपको मार नहीं रहा, मैं आपको बचा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारी आग बुझा दूंगा। हमारा शोरूम पूरा जल जाएगा, जल्दी आग बुझाओ। अरे आप टेंशन मत लो, मैं सारी की सारी आग बुझा दूंगा। एक सेकंड मैं देख के आता हूँ कहीं अंदर तो आग नहीं लग गई। रुको रुको, यहाँ पर आग लगी है क्या? यहाँ पर आग तो नहीं लगी। एक काम करते हैं, इस गाड़ी के अंदर चेक करते हैं क्या इस गाड़ी में आग लगी है। इस गाड़ी में भी आग नहीं लगी है। तो गाइस हमें एक और गाड़ी यहाँ पे मिल चुकी है और फिर से हमने वेनम को पागल बना दिया। और वेनम क्या हाल है? अरे ये क्या कर रहे हो, मेरी गाड़ी से मुझे ही मार रहे हो? अरे तुम्हें अभी तक पता नहीं चला मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी गाड़ी चुराने आया हूँ। तो गाइस अभी हमने एक और खतरनाक सी वेनम की सुपर कार चुरा ली है। और गाइस ये सब में से सबसे ज्यादा फास्ट कार है, इसमें ना कोई नाइट्रो है ना फिर आग निकल रही है, पर ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अभी आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी रिवर्स कितनी तेज आती है। 3, 2, 1 के देखो भाई कितनी ज्यादा स्पीड में ये रिवर्स जाती है और ये आगे भी बहुत ही ज्यादा तेज जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट कार है, मुझे लगता है वेनम की पूरे कलेक्शन में सबसे ज्यादा फास्ट कार यही होगी। तो गाइस अभी हमने वेनम की एक और गाड़ी चुरा ली है और इसके बाद सिर्फ आखिरी गाड़ी है जो कि है $100 million की। और गाइस वेनम को हमने दो बार पागल बना दिया, मुझे लगता नहीं वो इस बार पागल बनेगा, तो इस बार मुझे फुल प्रूफ प्लान के साथ जाना पड़ेगा वेनम के पास ताकि मैं उसकी में वो $100 million वाली गाड़ी चुरा पाऊं। तो क्या आप तैयार हो $100 million वाली गाड़ी को चुराने के लिए? फटाफट से कमेंट करके बता दो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चलते फटाफट से $100 million वाली गाड़ी चुराने। अब कोई भी चोर हमारे शोरूम में चोरी नहीं कर सकता क्योंकि पहले सिर्फ एक वेनम का दिमाग, अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात सात वेनम एक साथ दिमाग लगाएंगे और किसी चोर को हमारी $100 million वाली गाड़ी नहीं चुराने देंगे। सारे के सारे पुलिस ऑफिसर मेरी बात सुन लो, जो भी हमारे रास्ते में आएगा सीधा उसको गोली मार देना, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें इस शोरूम पर रेड मारनी है, चलो। ये क्या इतने सारे पुलिस वाले? मुझे लगता है ये चोर होगा, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। पुलिस वालों को अंदर जाने से रोकते हो, इन सबको साइड करो। बहुत बढ़िया, तो गाइस अभी पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पे खाली हो चुका है और हम सीधा शोरूम के अंदर जाने वाले और वो $100 million की गाड़ी चुराने वाले। हम तुम्हें हमारी गाड़ी नहीं चुराने देंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऑफिसर्स लगता है ये वेनम के बच्चे नहीं मानने वाले, सबको अरेस्ट करो, अगर किसी ने भी कोई भी होशियारी करी तो सीधा उसको गोली मार देना, सोचना भी मत। तो गाइस अभी सारे के सारे वेनम्स को पकड़ लिया है, तो गाइस ये वेनम अब हमारा कुछ नहीं कर सकते, फटाफट से चलते हैं और ये खतरनाक सी गाड़ी चुराते हैं। आप ये गाड़ी नहीं ले सकते, ये वेनम सर की गाड़ी है। अच्छा और तुम कौन हो? हम उनकी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी हो? ये लो सबको मार दूंगा, निकलो 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 यहाँ से, हट जा, सबको गोली मार दूंगा। तो गाइस अभी सारी सिक्योरिटी को हमने सुला दिया है और लगता है सबको पता भी चल चुका है कि हम नकली पुलिस वाले। चलो गाइस फटाफट इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इस गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं और इसके टायर तो देखो कितने ज्यादा बड़े हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो इस गाड़ी का कलर कैसे चेंज हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस गाड़ी में कुछ तो मैजिक है, इस गाड़ी का कलर चेंज होता ही जा रहा है होता ही जा रहा है। और गाइस ये गाड़ी भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, आप देख सकते हो कहां जा रही है, मेरे से तो समझ भी नहीं रही। तो गाइस अभी हम पता करने वाले ये गाड़ी $100 million की क्यों है। पहली बात तो देख सकते हो हम जमीन से कितना ज्यादा ऊपर है, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल नीचे की तरफ है। अभी आपको इस गाड़ी का कंपैरिजन करके दिखाता हूं एक नॉर्मल गाड़ी से। ये देखो ये एक नॉर्मल गाड़ी है और ये हमारी खतरनाक सी मॉन्स्टर ट्रक, इसके ऊपर हम पूरा का पूरा टायर भी चढ़ा सकते हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक है। और अब देखते हैं इसमें जो खतरनाक बटन से वो क्या करते हैं। तो सबसे पहला बटन दबाएंगे हम, ये कौन सा बटन है? और गाइसर ये क्या? अरे ये गाड़ी तो हवा में चलने लग गई। अरे ये कौन सा बटन था? मुझे लगता है ये फ्लाई मोड था, पर ये क्या हो गया? ये गाड़ी तो एक ही जगह स्पिन करती जा रही है। अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अरे आराम से लैंड हो जा, लैंड हो जा। अरे गाइसर ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, गाड़ी तो चक्कर काटने लगी थी हवा में। तो गाइसर देखते हैं और इस गाड़ी में और क्या क्या खास है। एक सेकंड, इस गाड़ी को हम ठोकर मारेंगे और ये
क्या, ये तो गायब ही हो गई। तो कौन सा जिस गाड़ी के भी हम पास जाते जा रहे हैं वो गाड़ियां गायब होती जा रही है। देखो ये बार बोट भी गायब हो गई, ये तो बहुत ही मस्त है। और एक सेकंड, ये तो मैंने देखा ही नहीं, हम तो पानी के ऊपर चल रहे हैं। अरे कैसा, ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तो पानी के ऊपर भी चलती है, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी है। तो कैसा, अगर आपके पास 100 मिलियन डॉलर्स होते तो क्या आप ऐसी गाड़ी खरीदते? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि मेरे पास होते तो मैं तो जरूर खरीदता। इतने बड़े टायर वाली, पानी के ऊपर चलने वाली, उड़ने वाली हर चीज इस गाड़ी में, तो क्या दिक्कत है। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, आज हमने जितने भी वैनम की गाड़ियां चुराई उसमें से सबसे अच्छी गाड़ी आपको कौन सी लगी? वैसे तो सब 100 मिलियन डॉलर वाली कहेंगे, पर 100 मिलियन भी तो कितने ज्यादा होते हैं। तो फटाफट से कमेंट करके बताना कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।